नमस्कार साथियों आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है साथियों मीर जाफर की गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत के योग्य और हिंदू नरेशों को खत्म करना शुरू कर दिया था उसके लिए उन्होंने सबसे पहले बिहार प्रांत के राजा राम नारायण को खत्म करने की साजिश रची लेकिन वह असफल रही थी और दोनों के बीच मित्रता की संधि हो गई थी फिर राजा रामराम सिंह राजा युगल सिंह और राजा दुर्लभ राम पर भी निशाना साधा गया था इन तीनों के साथ क्या हुआ था इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इन सब के बाद फिर से राजा रामनारायण पर एक विशाल सेना लेकर दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश की गई अफवाह उड़ी या उड़ाई गई थी कि अलीवर्दी खां की बूढ़ी बेवा ने अवध के नवाब वजीर को पत्र लिखा है कि आप आकर मीर जाफर के विरुद्ध रामनारायण को मदद दें क्लाइव और मीर जाफर के लिए केवल चंद महीने पहले की संधि तथा दोनों ओर की कस्मों को मिट्टी में मिलाकर अब फिर बिहार प्रांत पर चढ़ाई करना और राम नारायण को खत्म करना जरूरी हो गया था क्लाइव ने इस बहाने से पचास हजार सैनिकों की सेना जमा कर ली मीर जाफर को डर दिखलाकर उससे धन खींचने का भी क्लाइव को यह अवसर दिखाई दिया था परंतु मीर जाफर की माली हालत इस समय बहुत खराब थी सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद के खजाने की जो दशा उसने पलासे से पहले समझ रखी थी वह पलासी के बाद नहीं थी इस खजाने की आशा पर ही उसने अंग्रेज कंपनी की अलग और क्लाइव तथा उसके अनेक साथियों को व्यक्तिगत हैसियत से अलग बड़ी बड़ी रकमें देने के वादे कर रखे थे इसमें अधिकांश वह इस समय तक दे भी चुका था दूसरे इन्हीं रकमों के कारण उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि फौज की कई महीनों की तनख्वाहें उसके जिम्मे चढ़ गई थी जिससे फौज में असंतोष का भाव बढ़ता जा रहा था इससे लाचार होकर मीर जाफर ने अंग्रेजों से यह प्रार्थना की थी कि कंपनी का जो भी देना मेरे जिम्मे बाकी रह गया है उसमें कुछ कमी कर दी जाए मालूम होता है कि क्लाइव ने उसे इसकी आशा भी दिखा रखी थी इसी उद्देश्य से मीर जाफर ने कई बार बड़ी बड़ी रकमें बतौर रिश्वत क्लाइव को भेंट भी की थी इन रकमों के संबंध में सन सत्रह सो ईस्वी में पार्लियामेंट की कमेटी के सामने गवाही देते हुए क्लाइव ने कहा था कि नवाब की दरिया दिली ने मुझे सहज ही धनवान बना दिया है साथियों क्लाइव की जागीर कितनी थी और क्लाइव के पास कितना धन हो गया था इस पे मैं एक अलग से आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं परंतु कमी करना तो दूर रहा एन उस मौके पर जबकि बिहार पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी हो गई थी क्लाइव ने कंपनी की एक एक पाई चुकाए बिना कदम उठाने से इनकार कर दिया था पिछली रकमों के अलावा और भी नई नई रकमें इस अवसर पर मीर जाफर से मांगी गई थी क्लाइव का बल इस समय तक खूब बढ़ चुका था उसके पास पचास हजार सेना मीर जाफर को कुचल देने के लिए मौजूद थी मीर जाफर को तरह तरह से डर दिखाए गए थे उसे लाचार होकर झुकना पड़ा था एक इतिहास लेखक मेलकम ने इस बारे में लिखा है कि इस अवसर पर एक रकम सेना के गैर मामूली खर्चों के लिए वसूल की गई थी जो ज़मीनें कंपनी को दे दी गई थी उनके परवाने बाकायदा जारी करवा लिए गए थे दरबार से हुक्म जारी कराए गए थे कि नवाब के पहले छः महीने के कर्जे की तमाम बकाया रकम तुरंत चुका दी जाए बाकी तमाम कर्जों को चुकाने के लिए उस समय तक जब तक कि कर्जा पूरा ना हो जाए बर्धमान नदिया और हुगली तीन जिलों की सरकारी मालगुजारी कंपनी के नाम करवा ली गई थी क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम 8 फरवरी सन सत्रह को पत्र में लिखा था इससे अब हमारे कर्जे का चुकाया जाना नवाब के हाथों से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है यह याद रखना चाहिए कि कर्जे में एक भी कौड़ी ऐसी नहीं थी जो कंपनी ने या किसी अंग्रेज ने कभी मीर जाफर को सचमुच ही कर्ज में दी हो यह वह धन था जो मीर जाफर ने गद्दी के बदले में अंग्रेजों को देने का वादा कर लिया था साथियों क्लाइव और मीर जाफर जब पचास हजार की सेना के साथ पटना की ओर बढ़े थे चार महीने से ऊपर यह भारी सेना मैदान में रही इसका सारा खर्च मीर जाफर को चुकाना पड़ा था परन्तु गोली एक भी नहीं चलने पाई थी क्लाइव इस समय मीर जाफर को खासा चकमा दे रहा था राम नारायण जैसे आदमी को सदा के लिए अपना शत्रु बना लेना अंग्रेजों के लिए हितकर नहीं था क्लाइव का उद्देश्य इस समय राम नारायण पर कंपनी के बल का सिक्का जमाना उसे मीर जाफर की ओर से सशंक कर देना उससे धन वसूल करना और अंत में स्वयं मध्यस्थ बनकर राम नारायण के हक में फैसला करा देना मालूम होता है साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइव कितना चालाक और ध्रत था उसके बाद 23 फरवरी सन सत्रह को पटना में दरबार हुआ था क्लाइव ने मध्यस्थ का आसन लिया था मीर जाफर का बेटा मीरन नाम के लिए बिहार का नवाब बनाया गया था और शासन का तमाम अधिकार मीरन के नवाब की हैसियत से ज्यो का त्यों राजा राम नारायण के हाथों में छोड़ दिया गया था इस अनुग्रह के बदले में राम नारायण ने सात लाख रूपए नगद वसूल किए थे इतिहास लेखक औरंग ने लिखा है की क्लाइव की जो मुराद थी वह सब पूरी हो गयी थी कुछ दिनों के बाद एक पत्र में क्लाइव ने राम नारायण को अंग्रेजों का पक्का हित साधक था क्लाइव अपने मालिकों को भी नहीं भूला उन दिनों जितना शोरा बंगाल में बिकता था सब पटना से ऊपर के प्रदेश में तैयार होता था क्लाइव ने अब नवाब पर जोर देकर शोरा तैयार कराने का ठेका कंपनी के नाम हासिल कर लिया था जिससे कंपनी की आमदनी और बढ़ गई थी तथा शोरा बनाने वाले सब देसी कारीगर अंग्रेजों के मजदूर और उनकी प्रजा बनकर रह गए थे मई सन सत्रह सो ईस्वी को कलाई मुर्शिदाबाद लौट आया था कुछ दिनों बाद मीर जाफर भी अपनी राजधानी वापस आ गया था साथियों मुझे उम्मीद है कि इतिहास की इन घटनाओं से आप समझ पा रहे होंगे कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई उससे अंग्रेजों ने किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे भारत को नष्ट करना शुरू कर दिया था साथियों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इस यात्रा को हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद